हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निवी द बेसिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। जिस तरह का माहौल आजकल चल रहा है, उस हिसाब से हर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट ब्लड प्रेशर का तो है ही। और जब बात ब्लड प्रेशर की आती है तो हमारे जहन में एक ही बात आती है कि हमारा हार्ट सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से, या हमारा हार्ट कमजोर हो गया है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो या हाई हो रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हार्ट का काम होता है इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाई करके प्योर ब्लड को बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरे प्रोसेस में लंग्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो क्या आप मानेंगे? ब्लड प्रेशर का रिलेशन हमारे खान पान से, हमारी रूटीन लाइफ से, और हमारे यहाँ तक कि इमोशन से भी होता है। इमोशन जैसे गुस्सा करना, टेंस्ड होना, डिप्रेस्ड होना, या बहुत खुश होना या बहुत दुखी होना। हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड प्रेशर भी कम या ज़्यादा, या उसके ऊपर हमारे इमोशंस का असर पड़ता है। क्या आप ये सब जानते हैं? दोस्तों, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कौन रेगुलेट करता है और कैसे करता है, ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में कंट्रोल कैसे होता है, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं आपके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड लेकर आई हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एक प्लेटफॉर्म पर आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। सबसे पहले जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर जो फोर्स या प्रेशर लगाया जाता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। बॉडी में ब्लड हायर प्रेशर के रीजन से लोअर प्रेशर के रीजन की ओर फ्लो करता है। हमारा हार्ट जब पंप करता है, मींस एक बार कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना और एक बार रिलैक्सेशन यानी फैलना करता है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की साइकिल को कार्डियक साइकिल कहते हैं। हार्ट के वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के समय जो प्रेशर लगता है, उसे सिस्टोल या सिस्टोलिक प्रेशर, मींस कॉमन लैंग्वेज में ऊपर वाला प्रेशर कहा जाता है, और वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को डायस्टोल यानी डायस्टोलिक प्रेशर, मींस नीचे वाला प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर तीन बातों पर निर्भर करता है। नंबर वन इज कार्डियक आउटपुट। एक मिनट में इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से जितना ब्लड का वॉल्यूम यानी जितनी ब्लड की मात्रा हार्ट के द्वारा पंप आउट होती है, उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। नंबर टू इज ब्लड वॉल्यूम, मींस ब्लड की मात्रा। नंबर थ्री इज वेस्कुलर रेजिस्टेंस, इट मींस जब ब्लड के द्वारा प्रेशर या फोर्स लगाया जाता है, तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर ब्लड के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस यानी घर्षण या प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इसे ही वेस्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी 110 से 120 mm ऑफ मर्करी ड्यूरिंग सिस्टोल या वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, और 70 टू 80 mm Hg ड्यूरिंग डायस्टोल मींस वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन के टाइम पर होता है। यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। कार्डियक साइकिल के द्वारा बॉडी से इम्प्योर मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मींस बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ब्लड आर्टियोल्स में जाता है। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है लंग्स के अलावा पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, जो इम्प्योर ब्लड हार्ट तक पहुंचाता है और प्योर ब्लड हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ब्लड आर्टियोल्स में जाता है। ये आर्टियोल्स क्या होते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आर्टियोल्स के द्वारा ब्लड कैपिलरीज में जाता है, और कैपिलरीज के द्वारा बॉडी के प्रत्येक टिश्यू में जाता है। इसी प्रकार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस इम्प्योर ब्लड का रिटर्न इसके रिवर्स क्रम में होता है। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से इम्प्योर मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के द्वारा वेन्यूल्स में आता है। वेन्यूल्स से ये ब्लड वेन्स में जाता है, और वेन्स के द्वारा ये हार्ट में वापस चला जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में चला जाता है। लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आ जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू आर्टियोल्स में आता है, और आर्टियोल से कैपिलरीज के थ्रू पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू में चला जाता है। तो देखा आपने, लंग्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड के प्यूरिफिकेशन में।
अब बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम की। हमारी बॉडी का टोटल ब्लड वॉल्यूम भी ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी में टोटल 5 से 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। यदि हमारी बॉडी से हेमरेज के द्वारा मींस किसी चोट के कारण या कट लगने के कारण खून निकल जाए तो ब्लड के अमाउंट में कमी आ जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यदि ये कमी 10% तक रहती है तो हमारी बॉडी इसे हेमोस्टेसिस के द्वारा इस कमी को पूरा कर देती है। इसलिए जब हम 1 यूनिट तक ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी से अप्रॉक्सीमेटली 525 ml ब्लड लॉस होता है, जो कि टोटल वॉल्यूम का अप्रॉक्सीमेटली 10% है, और ये अमाउंट हेमोस्टेसिस के द्वारा मेंटेन हो जाता है। इसलिए 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने पर हमारी बॉडी पर कोई असर या कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये पूरी तरह से सेफ भी है। इसी प्रकार जब किसी कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जैसे एक्सेस वाटर रिटेंशन से, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं वैस्कुलर रेजिस्टेंस की। कैसे वैस्कुलर रेजिस्टेंस ब्लड प्रेशर पर असर डालता है? रेजिस्टेंस मींस घर्षण या प्रतिरोध। ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर प्रेशर पड़ने से उन वॉल्स पर ब्लड के अगेंस्ट प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इज साइज ऑफ ब्लड वेसल ल्यूमन। ब्लड वेसल का डायमीटर जितना कम होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा ब्लड फ्लो करने के लिए। ब्लड वेसल ल्यूमन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस या प्रतिरोध उत्पन्न होगा ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर। नंबर 2 इज ब्लड विस्कोसिटी, मींस ब्लड की थिकनेस। ब्लड की थिकनेस मतलब गाढ़ापन। प्लाज्मा में RBC यानी रेड ब्लड सेल्स और प्रोटीन की कंसंट्रेशन के रेशो पर डिपेंड करती है। यानी जितनी ज्यादा ब्लड की थिकनेस होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा वॉल्स पर। अगर किसी कारण ब्लड की थिकनेस बढ़ जाए, एग्जाम्पल के लिए डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने के कारण, या पॉलीसिथीमिया यानी RBC की मात्रा अनयूजुअली बढ़ जाने की वजह से, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर एनीमिया होने के कारण यानी खून की कमी होने के कारण, या हेमोरेज मींस किसी चोट लगने के कारण या कट लगने के कारण खून निकल जाए तो ब्लड की थिकनेस कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नंबर 3 इज टोटल ब्लड वेसल लेंथ। रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड वेसल की लेंथ का। जितनी लंबी ब्लड वेसल होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। आपने देखा होगा कि ओबेस पीपल यानी मोटे लोगों को हाइपरटेंशन होता है, मींस उनका BP हाई रहता है। इसका मेन रीजन ये है कि मोटे लोगों के एडिपोज टिश्यूज में जो एडिशनल ब्लड वेसल होती हैं, वो टोटल ब्लड वेसल लेंथ को इंक्रीज यानी बढ़ा देती हैं। प्रत्येक एक्स्ट्रा 1 kg ऑफ फैट के कारण एस्टिमेटेड 650 किलोमीटर अबाउट 400 miles लंबी एडिशनल ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है और उनका BP हाई रहता है। दोस्तों, इससे पहले हमने आर्टरियोल्स की बात की थी, तो जानते हैं इन आर्टरियोल्स का क्या रोल होता है। आर्टरियोल्स का मेजर फंक्शन होता है SVR यानी सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, मींस ओवरऑल टोटल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना। SVR मींस सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस यानी पूरी बॉडी में ओवरऑल ब्लड वेसल्स पर जो टोटल वेस्कुलर रेजिस्टेंस लगता है। आसान शब्दों में अगर इसको कहें तो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का साइज अलग अलग जगह पर चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए आर्टरीज एंड वेन्स का साइज अलग होगा और इनके कंपेयर में कैपिलरीज का साइज अलग होगा यानी कम होगा। आर्टरीज और वेन्स का डायमीटर बड़ा होता है, इनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है क्योंकि ज्यादातर ब्लड इन ब्लड वेसल्स की वॉल्स के फिजिकल कॉन्टेक्ट में आता ही नहीं है। बट जब ब्लड आर्टरीज या वेन से कैपिलरी में फ्लो करता है तो कैपिलरीज का डायमीटर कम होता है, जिसकी वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस लगता है। इसलिए जब ब्लड वेसल का डायमीटर चेंज होता है तो आर्टरियोल्स एक मीडिएटर का काम करते हैं। ये टोटल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और ब्लड का फ्लो पर्टिकुलर टिश्यू में प्रॉपरली होता रहे। इस SVR को रेगुलेट करने के लिए मेन सेंटर होता है, उसे वैसोमोटर सेंटर कहते हैं, जो ब्रेन स्टेम में होता है। अब जानते हैं ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है और इसे कौन रेगुलेट या कंट्रोल करता है। दोस्तों, ब्रेन में मेडुला एब्लोंगाटा में कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर 3 तरह से कंट्रोल करता है। नंबर 1 इज न्यूरल यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करके। नंबर 2 इज हार्मोनल यानी हार्मोन्स को रिलीज करके। नंबर 3 इज लोकल निगेटिव फीडबैक कंट्रोल के थ्रू।
सीवी सेंटर यानी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, इन तीनों को कंट्रोल करके स्पेसिफिक टिश्यूज के ब्लड फ्लो को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर में बहुत सारे न्यूरॉन्स के ग्रुप्स होते हैं जो हार्ट रेट, वेंट्रिकल्स के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड वेसल्स का डायमीटर कंट्रोल करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर ब्रेन के हायर रीजन से और सेंसरी रिसेप्टर से इनपुट रिसीव करता है। आसान शब्दों में कहें तो हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग या हमारे इमोशंस, जैसे गुस्सा आना, टेंशन होना, दुखी होना या बहुत खुश होना, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार मैसेज कार्डियोवैस्कुलर सेंटर में जाते हैं। ब्रेन के हायर रीजन्स हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, जिनसे नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं, यानी मैसेज भेजा जाता है सीवी सेंटर को। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आपने देखा होगा जब आप कोई इंटरव्यू देने जाएं, या आपका कोई एग्जाम हो, या आप कभी नर्वस फील कर रहे हो, तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप घबराए हुए हों तो लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, नर्व इम्पल्स कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को कन्वे करता है। आसान शब्दों में कहें तो मैसेज कन्वे करता है सीवी सेंटर को। इसका एक एग्जाम्पल और है। जब आप रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हों तो रेस स्टार्ट होने से पहले आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है क्योंकि लिम्बिक सिस्टम नर्व इम्पल्स कन्वे करता है सीवी सेंटर को। उसके बाद ड्यूरिंग रेस जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हाइपोथैलेमस नर्व इम्पल्स सेंड करता है सीवी सेंटर को, और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर आगे मैसेज कन्वे करता है स्किन की ब्लड वेसल्स को, बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। आपने देखा होगा जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या बाहर के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हाई हो तो आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। वो इसलिए होता है जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और बॉडी कूल रहे। ब्रेन के हायर रीजन के अलावा जो सेंसरी रिसेप्टर्स कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को सिग्नल्स या इनपुट सेंड करते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज प्रोप्रियोसेप्टर्स, मतलब किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी के समय हमारे जॉइंट्स और मसल्स में जो मूवमेंट होगा उसको मॉनिटर करके उसका इनपुट ये कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को सेंड करते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक्सरसाइज करते समय आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है क्योंकि उस समय आपकी मसल्स की सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, मीन्स हार्ट फास्ट पंप आउट करने लगता है ब्लड को। नंबर 2 इज बैरोरिसेप्टर्स, ब्लड की वेसल्स की वॉल्स में जो प्रेशर और स्ट्रेच में चेंजेस आते हैं उनको मॉनिटर करके इनपुट सिग्नल्स कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को भेजता है। नंबर 3 इज केमोरिसेप्टर्स, ये ब्लड में वेरियस केमिकल्स की कंसंट्रेशन को मॉनिटर करके कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को सिग्नल भेजता है। ये चेक करता है कि किसी केमिकल की मात्रा कम या ज्यादा तो नहीं। इसके बाद काम शुरू होता है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर का, बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू काम होता है। पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक सिस्टम को जानने के लिए आप मेरा हेमिस्टेसिस वाला वीडियो देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि बॉडी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है। बॉडी में ब्लड प्रेशर का कंट्रोल निगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आउटपुट प्रोवाइड करता है ANS, मींस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के 2 डिवीजंस, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक डिवीजंस को। सिंपैथेटिक रिस्पांस में एड्रिनल मॉडुला 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये हार्मोन्स कार्डियक आउटपुट बढ़ा देते हैं जिससे हार्ट रेट और फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इसी प्रकार जब डिहाइड्रेशन हो, यानी कि पानी की कमी हो या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, तो हाइपोथैलेमस एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यानी ADH का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर का रिटेंशन यानी जमा होना शुरू हो जाता है, जो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अपोजिट पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके अपोज में काम करता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है वो वेगल नर्व्स के द्वारा कार्डियक एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज इसको कम से कम 5 लोगों तक जरूर शेयर करें। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई डाउट्स हैं या कोई भी सजेशंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज एक लाइक बटन जरूर दबाएं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।